देखिए, आज हम जो कवर करेंगे वो अकबर के बारे में कवर करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा इससे पहले अकबर के बारे में, तो इससे पहले कुछ थोड़ा बहुत ही बताया था, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था इसके बारे में थोड़ा बताया। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अकबर मुग़ल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जिसे महान शासक घोषित किया गया, और महान शासक बनाया गया इसीलिए अकबर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप यहाँ पर यह कवर करेंगे कि अकबर का एक पार्ट में वीडियो बनाना या एक बार में बताना बड़ा संभव है। अकबर के कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको प्राप्त होंगे। जैसा कि आज हम प्रारंभ करते हैं अकबर, क्योंकि अकबर का साम्राज्य औरंगजेब के बाद दूसरा सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था अकबर। अब यहाँ पर हम कवर करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि अकबर का जीवन बड़ा दुर्गम रहा पहले से ही। यह जो चाहता था वह कभी नहीं हो पाता था, लेकिन बाद में आके इसने अपने जीवन को बहुत अच्छा सुधारा, और उसके साथ साथ भारत की भी स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आया। जैसा कि आपको पता है, अकबर के पिता जो थे उनका नाम था हुमायूं, और अकबर का तब जन्म हुआ जब हुमायूं दोबारा से दिल्ली की सत्ता के लिए घूम रहा था। तो मैंने आपको बताया 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म होता है, और जब हुमायूं जो था पहाड़ियों में घूम रहा था, वह दोबारा से दिल्ली की सत्ता प्राप्त करना चाहता था, तो वह वन वन भटक रहा था, उसी समय अकबर का जन्म हुआ था। जब अकबर का जन्म हुआ तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो हुमायूं था इसे डर लगता था कि मेरे दुश्मन भारत में बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में मेरे इतने दुश्मन हैं कि जिससे कि मैं अकबर का कैसे लालन पालन करूँगा। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, उसी समय भारत में एक मध्य प्रदेश राज्य में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है रीवा। रीवा में इनके एक दोस्त रहते थे, और उन दोस्त के पास अकबर को छोड़ देता है और कहता है इनका पूरा जीवन का व्यतीत जो करना है या जीवन को आगे बढ़ाना है वो कहाँ करना है, आपको ही करना है। तो यह अकबर को बचपन में ही, जब अकबर मात्र 2 वर्ष का था, तभी यहाँ कहाँ छोड़ देता है उसे, रीवा छोड़ देता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अकबर प्रारंभ में पूछ लिया जाता है बहुत ज़्यादा डीपली, UPSC वगैरह के एग्जाम में बोल देता है कि अकबर का जीवन यापन प्रारंभ से कैसे हुआ। तो रीवा में यह 9 वर्ष तक रहा, 9 वर्ष तक यह रीवा में रहा। और यहाँ का अगर हम बात करें तो रीवा में ही जो अकबर था इसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था रामचंद्र, जो बाद में जाके शासक बनता है रामचंद्र, और इसी रामचंद्र पर आक्रमण भी करता है अकबर। 9 वर्ष तक यह रामचंद्र और अकबर एक दोस्त बनकर रहे बचपन से ही, और दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। अब यहाँ पर आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यह रीवा में रहा, रीवा में रहने के बाद इसे फिर लाहौर भेज दिया गया, 2 वर्ष तक लाहौर रहा। मतलब यह हुआ कि अकबर बचपन से ही एक जगह स्थिर नहीं रहा। जब यह एक जगह स्थिर नहीं रहा तो यह इधर से उधर जाता, उधर से वहाँ जाता। सबसे बड़ी समस्या थी इसकी सुरक्षा की। जब इसकी सुरक्षा के लिए इसे परिवर्तित कर दिया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, इसीलिए इसका किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया, इसका एडमिशन ही नहीं हुआ था। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जितने भी मुगल सम्राट हुए उनमें सबसे निरक्षर व्यक्ति जो था वह कौन था, अकबर था। इसका एडमिशन ही नहीं हुआ। एडमिशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पिताजी कौन थे, हुमायूं, इनका मिनट मिनट पर ट्रांसफर होता था। क्या होता था, अब जब बताओ पापा ड्यूटी कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर बार बार हो रहा, तो एडमिशन कहाँ होगा। यही कारण हुआ आपको देखा कि 1530 में से सत्ता जरूर मिली, तब तक अकबर का नाम भी नहीं था। लेकिन 1540 में क्या हुआ, इससे सत्ता छिन गई, और 1542 में अकबर का जन्म हुआ। और आपको पता है 1555 तक यह पहाड़ियों और पर्वतों और जंगलों में घूमता रहा हुमायूं। तो यह जब एक जगह स्थिर नहीं रहा तो अकबर का भी कहीं भी क्या नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, और यह पढ़ा लिखा नहीं था। तो आप यहाँ कवर करेंगे, नोट करके लिखेंगे कि मुगल साम्राज्यों में एकमात्र शासक था अकबर जो निरक्षर था, यह पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था, यह बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, पहले से कुछ दिन कुछ समय तक रीवा रहना पड़ा, रीवा के बाद यह अपने ननिहाल लाहौर में रहा, और लाहौर में रहते रहते फिर से दिल्ली लाया गया। दिल्ली में जैसे ही 1555 में इसके पिता को सत्ता मिली, फिर भी इसे दिल्ली नहीं रहने दिया, इसे दिल्ली फिर भी रहने नहीं दिया। और यह जो रहता था, यह कहाँ रहता था, पंजाब में रहता था। जिस समय हुमायूं दिल्ली पर शासन कर रहा था दोबारा गद्दी प्राप्त करने के बाद, फिर भी अकबर कहाँ नहीं रहा, दिल्ली नहीं रहा, कहाँ रहता था,
पंजाब रहता था और पंजाब में एक गांव पड़ता था जिसका नाम था होशियारपुर। एक अच्छा खासा सिटी है होशियारपुर। होशियारपुर गांव में वहां पर संरक्षण में रहता था, जिसका संरक्षण जो करता था अकबर का, वह कौन करता था? बैरम खां। अब ये बैरम खां इसका संरक्षण करता था। जब इसका यह संरक्षण करता था, ये होशियारपुर में रहता था, दिल्ली की सत्ता तक नहीं आ पाया। सबको पता था कि हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर है और अकबर जिंदा भी है, लेकिन अकबर जो है वो शासन के गुण सीख रहा है करने का। और वह कहाँ रहता है? पंजाब रहता है। और पंजाब में ट्रेनिंग कौन दे रहा है? बैरम खां दे रहा है। लेकिन भाग्यवश होता क्या है, 1555 में जरूर इससे क्या सत्ता मिली हुमायूं को, लेकिन 1556 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, अब यहाँ पर दो बात बड़ी समझने लायक है। किसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद पूरा संरक्षण किसके हाथ में था? बैरम खां के हाथ में। पूरा संरक्षण किसके हाथ में था? बैरम खां के। अकबर का जो व्यक्तिगत राजनीतिक रूप से संरक्षण करता था वह बैरम खां करता था, लेकिन दिल्ली के शासन में एक माता रहती थी जिसका नाम था दलाई माता। जिसका क्या नाम था? दलाई माता, जो एक विधवा थी और वह वहां की राजमाता थी। और जो दलाई माता थी वह दिल्ली में रहती थी और वह उसका दिल्ली की पूरी सत्ता जो संभाल रही थी वह दलाई माता संभाल रही थी, और राजनीतिक संरक्षण जो कर रहा था वह कौन कर रहा था? बैरम खां। दोनों की अपनी एक अलग चालाकी थी। बैरम खां चाहता था कि अकबर एक नाम मात्र के लिए राजा रहे, पूरा शासन जो करे कौन करे? मैं करूं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बैरम खां था इसका एक पुत्र था जिसका नाम था रहीम, और आपने यही रहीम बना आगे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना नवरत्न था ना किसका? अकबर का। वो इस बैरम खां का ही पुत्र था। यह चाहता था बैरम खां कि अकबर अनपढ़ है, बड़ी अच्छी बात है, ये आगे के लिए काम देगा। इसके बाद इसे दिल्ली में न भेजा जाए, कहाँ रहे? पंजाब रहे, जिससे यहाँ की प्रजा को न जाने और इसे शासन मिले ही ना। बैरम खां यही चाहता था। और यह चाहता था कि अकबर एक निबोध व्यक्ति बना रहे जिससे कोई जानकारी न हो। बैरम खां यह चाहता था। और जो तुम्हारी दलाई माता थी, यह क्या चाहती थी? यह सत्ता में अपना वर्चस्व चाहती थी, और इसी ने भारत में सबसे पहले हरम की प्रथा प्रचलन किया, हरम की प्रथा का प्रचलन किया। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात थी। इसने हरम की प्रथा का प्रचलन किया, जबकि बैरम खां ने अकबर को क्या बना दिया? एक मूर्ख व्यक्ति बनाना चाहा कि अकबर कभी भी आगे न बढ़ सके। इन दोनों की बहुत बड़ी चाल थी। लेकिन अकबर वह व्यक्ति था, इन पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। इतना भरोसा करता था कि इतने अपने पिता पर भी भरोसा नहीं था, और जो भी बैरम खां या दलाई माता जो भी कहती थी, इन दोनों को मानता था। ये बात, जब ये बात नहीं मान, यह मानता था, तो आप यहां ध्यान रखेंगे, अकबर एक बार कहां आ गया? जैसे ही दिल्ली आया। और आप यहां पर यह भी करेंगे, अकबर देखो मैंने पहले ही बताया, बचपन से इसका, जब से जन्म हुआ तब से एक जगह स्थिर नहीं रहा, कभी कहीं रहा कभी कहीं रहा। और यह हमेशा अगर महल में आता था तो स्त्रियों के साथ खेलता था। इसे कभी युवाओं के साथ नहीं छोड़ा गया, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं छोड़ा गया। और ये कहाँ रहता था? स्त्रियों के साथ रहता था, जिससे इसकी बुद्धि विकसित न हो। स्त्रियों के साथ ही महल में खेलता था। तो अकबर जो था, जैसे ही दिल्ली आया तो ये सीधा किसके पास आया? दलाई माता के पास। समझना, जैसे ही यह दलाई माता के पास आता है, और इसके पास आने के बाद इसने पहले से ही प्लान बना रखा था कि मैं कभी भी अकबर को क्या नहीं करूंगी, आगे नहीं बढ़ने दूंगी। अगर अकबर आगे बढ़ गया तो पूरा राजस्व किसका हो जाएगा? अकबर का हो जाएगा, और मेरी बिल्कुल पहुंच खत्म हो जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे, इस दलाई माता ने इससे पहले ही हरम प्रथा स्टार्ट कर दी थी, हरम प्रथा प्रारंभ कर दी थी। हरम प्रथा वह प्रथा होती थी कि भारत में जितने भी हिंदू शासक हुआ करते थे, उनकी अगर विधवा पत्नी होती थी और जो सती होने के लिए जाती थी, उनके इसके दलाई माता के सैनिक उन स्त्रियों को पकड़ लाते थे, और पकड़ने के बाद उन्हें क्या पर्दा लगा देते थे, और इस हरम प्रथा नामक महल में पहुंचा देते थे, जिनके साथ अकबर खेल खेलता था। ध्यान रखेंगे आप, ये इसकी क्या थी? हरम प्रथा थी, जिससे अकबर को बड़ा आनंद आता था, और उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। इन दोनों का वर्चस्व इतना बढ़ता गया, किसका? दलाई माता का और बैरम खां, कि अकबर कुछ भी न कर सका। अकबर को कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, 1556 में ही एक और हिंदू व्यक्ति आया जिसका नाम था हेमू।
जिसे कहा जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। आपको ध्यान रखें भारतीय इतिहास में बहुत व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और यह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो आप यहां ध्यान रखेंगे अब तक पूरे भारतीय इतिहास में 14 व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूछ लिया जाता है कितने व्यक्ति हुए, 14 व्यक्ति हुए, और यह अंतिम व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब थोड़ा हम हेमू के बारे में समझेंगे, तब थोड़ा अकबर के बारे में आगे बढ़ते हैं। हेमू के अगर बारे में बात करें तो हेमू उस समय की बात है जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और हेमू जो था एक वैश्य व्यक्ति था, एक बनिया था। यह एक बड़ा व्यापारी था, ईरान से लेकर इराक, अफगानिस्तान, लाहौर, सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े व्यापारियों के साथ व्यापार करता था, और इसका कोई मतलब नहीं था राजनीति से, ना किसी राज्य से। यह एक बनिया व्यक्ति था और व्यापार करता था। इसकी जाति भी क्या थी, वैश्य थी, बनिया था। लेकिन इसके पिता जो थे ये मुगल साम्राज्य, जैसे ही 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, और यहीं से हेमू के जो पिता थे उन्हें व्यापार नहीं करने दिया जाता था। इस बात को देखते देखते जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, बाबर के बाद हुमायूं आया, और हुमायूं के विपक्ष में जो व्यक्ति आया वह कौन आया, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की सेना में शामिल हो जाता है हेमू, और अपने पिता का व्यापार जब बंद हो गया था उसका बदला लेने के लिए उसके भी दिमाग में एक बात आई कि मैं मुगल साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकूंगा। किसके दिमाग में आई, हेमू के। तो यह शेरशाह सूरी के साथ हो जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी के साथ इसका ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहा, क्योंकि शेरशाह सूरी खुद एक विशेष महान योद्धा था। लेकिन शेरशाह सूरी की जैसे ही मृत्यु हुई, और इसकी मृत्यु होने के बाद इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सलीम। कौन था, सलीम। और सलीम सत्ता में आता है तो सलीम एक अयोग्य व्यक्ति था, लेकिन इसके समय जो सेनापति बन गया वो कौन बन गया, हेमू बन गया। हेमू इसके समय सेनापति जरूर बन जाता है, लेकिन सलीम किसी की नहीं मानता था अपने आगे। सलीम की मृत्यु होने के बाद इसमें एक और शासक हुआ जिसका नाम था आदिल शाह। जिसका क्या नाम था, आदिल शाह था। आदिल शाह शासक बना, जिसमें यह एक इतना अत्याचारी शासक हुआ जिसे राजनीति से कोई मतलब नहीं था, और यह सबसे विशेष अत्याचारी शासक था दिल्ली सत्ता पर। सब लोग चाहते थे कैसे भी आदिल शाह हटे, लेकिन इसका सेनापति कौन था, हेमू था। उसी समय क्या हुआ, जो तुम्हारे हुमायूं था यह अपनी सेना नेतृत्व करके लाता है, और सेना का नेतृत्व करके संगठित करके आता है और आदिल शाह पर आक्रमण कर देता है। लेकिन आदिल शाह उससे पहले ही क्या राज्य छोड़कर भाग जाता है। इसी का एक और पुत्र था, किसका, आदिल शाह का। आदिल शाह का एक और पुत्र था जिसका भी नाम सूरी था, सूरी प्रथम करके उसका नाम था, और उस पर आक्रमण कर देता है। इस पर जैसे ही आक्रमण किया तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दिल्ली की सत्ता जो आ जाती है वो किसके हाथ में आती है, हुमायूं के हाथ में। अब हुमायूं के हाथ में जैसे ही हत्या आई तो हेमू को लगा कि ये सूरवंश के जितने भी अफगान शासन हैं इनका तो अंत हो गया, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि मैं इन मुगल साम्राज्यों को भारत से खदेड़ दूंगा। और यह लाहौर से एक सेना का नेतृत्व करते हैं। आप यहाँ ध्यान रखेंगे इसके पास बहुत सैनिक थे, इसके भी पास लगभग 1.5 लाख से अधिक सैनिक थे, तोप भी थी, सब कुछ था। लेकिन भारत में यह राजनीति आज तक कायम है, यही प्रॉब्लम हुई, यही समस्या हुई कि इन मुसलमानों का, इन मुगल साम्राज्यों का वर्चस्व भारत में रहा। नहीं तो हेमू एक ऐसा व्यक्ति था कि उसी दिन हिंदू साम्राज्य की क्या हो जाती, स्थापना हो जाती। हेमू जैसे ही अपने सेना को लेकर लाहौर से चला, लाहौर से चलने के बाद यह सर्वप्रथम जो आता है वह ग्वालियर आता है। ग्वालियर पर क्या करता है, आक्रमण करता है और ग्वालियर को जीत लेता है। ग्वालियर को जीतने के बाद यह सीधा आगरा जाता है और आगरा को भी विजित कर लेता है, जबकि यह दो बड़े बहुत बड़े प्रांत थे दोनों। ग्वालियर को जीतता, आगरा को जीतने के बाद जो बारी आई वो किसकी आई, दिल्ली की आई। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जिस समय हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया उससे पहले यह जितने भी राजस्थान के शासक थे, चाहे वो चित्तौड़ के हों, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, राजस्थान में जहाँ के शासक सबसे मिला और कहा कि देखो जब तक यह मुसलमान साम्राज्य भारत में रहेगा तब तक भारत में चिंता का सबक रहेगा, इसलिए आप ऐसा करो कि आप मेरा साथ दो, मेरे साथ सेना संगठित करके चलो और इन मुगल साम्राज्यों को भारत से बाहर खदेड़ना। और वैसे भी मुगल कमजोर पड़ गए थे हुमायूं की मृत्यु के बाद, बचा कौन, बैरम खां था और अकबर था, और अकबर एक क्या था, निर्बोध बच्चा था, उसे कुछ भी जानकारी नहीं थी।
लेकिन किसी भी राजपुताना शासक ने इसका साथ नहीं दिया, और इसका कारण ये था क्योंकि यह जाति का क्या था, वैश्य था। और भारतीय इतिहास में प्राचीन समय से ही कहा रहा है कि युद्ध तो सिर्फ कौन लड़ेगा, क्षत्रिय लड़ेगा। उन्होंने कहा तू वैश्य है, तेरे साथ हम नहीं जाएंगे, और इसका किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन इसका साथ न देने के बावजूद भी हेमू दिल्ली पर आक्रमण करता है, लेकिन उस समय अकबर दिल्ली पर नहीं था। ना तो अकबर दिल्ली पर था, ना बैरम खां था। यह दोनों कहां थे, होशियारपुर कहां थे, पंजाब में। यह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद वहां के सभी सैनिकों को पराजित करने के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, भारत का वह अंतिम हिंदू सम्राट कौन था जिसने कुछ समय के लिए दिल्ली की सत्ता प्राप्त की, तो वह था हेमू। वह कौन था, हेमू। अब हेमू जो था यह अंतिम हिंदू सम्राट था, और दिल्ली की सत्ता पर बैठकर काम करने लगा। लेकिन कौन व्यक्ति था, बैरम खां, यह कहां रुकने वाला था। इसने सोचा ना तो मेरे पास गद्दी रही, ना अकबर के पास रही, अब तो कुछ ना कुछ करना होगा, इस हेमू को हटाना होगा। तभी आप ध्यान रखेंगे यह युद्ध की घोषणा कर देता है। तब आप यहां ध्यान रखेंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत के मैदान में हुआ। और यह युद्ध जो लड़ा गया अकबर और किसके मध्य लड़ा गया, हेमू के मध्य लड़ा गया। अकबर इस युद्ध में था जरूर, लेकिन युद्ध नहीं लड़ा, युद्ध किसने लड़ा, बैरम खां ने लड़ा। और इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि सब इतिहासकार, चाहे वो अबुल फजल हो या फिरदौसी हो या कोई भी हो, अलवरनी हो, अलवरनी तो ना नहीं था उस समय, इनमें से कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सबको पता था कि जीत जो होगी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, हेमू की होगी। सबको पता था हेमू की विजयी होने वाला है, हेमू विजित होने वाला है। लेकिन भारतीय इतिहास में कुछ और अन्य मोड़ आना था, इसीलिए यह युद्ध चलता रहा, और आखिरकार हेमू की विजय होने वाली थी। उसी समय हेमू जब घोड़े पर लड़ रहा था तो इसकी आंख में आके क्या हो जाता है, तीर लग जाता है। तीर लगने के बाद यह घोड़े से गिर जाता है, और गिरने के तुरंत बाद बैरम खां से पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद अकबर को वहां बुलाया जाता है। समझना, अकबर को जब वहां बुलाया गया तो कुछ इतिहासकार अकबर को महान बनाने के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन आपको अगर अकबर के बारे में सत्यता पढ़ेंगे इससे अगले वीडियो में, तो अकबर की सत्यता पता पड़ेगी, अकबर के पीछे का राज क्या था। अकबर को महान जरूर क्यों बनाते हैं, क्योंकि उस समय के इतिहासकार कौन थे, मुस्लिम लोग थे, उसके दरबारी कवि थे, इसीलिए अकबर को क्या बनाते हैं, महान बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी व्याख्यान बताऊंगा अकबर के बारे में इससे अगले वीडियो में कि आपको वास्तव में सत्यता पड़ेगी अकबर क्या चीज था। अब जैसे ही बैरम खां को बंदी बना लिया गया, उसको हेमू को बंदी बना लिया गया, बंदी बनाने के बाद देखो अबुल फजल क्या कहता है, अबुल फजल ने क्या लिखा, अकबरनामा लिखा। अबुल फजल कहता है कि अकबर ने हेमू को बंदी बना लिया, बंदी बनाने के बाद बैरम खां इसे मारने वाला था, तो अकबर ने मना कर दिया कि नहीं, ये निहत्ता है और मैं एक महान शासक हूं, मैं निहत्ते पर हाथ नहीं छोड़ सकता। जब उसे छोड़ दिया तो अकबर जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ा, लेकिन ये बैरम खां नहीं माना, और इसने तलवार से उसका धड़ अलग कर दिया। यह कौन कहता है, अबुल फजल। तो यहां अकबर को क्या बना दिया, महान बना दिया। लेकिन एक एएमयू के प्रोफेसर है जिनका नाम है हबीब, अब्दुल हबीब प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है कि भारतीय इतिहास वास्तव में यह गलत है, इतिहास यही था कि जैसे ही बैरम खां ने हेमू को पकड़ा तो अकबर ने ही आदेश दिया था कि यह तो बहुत बड़ी चिड़िया है, आप इसे मार दो, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा। और यही वास्तविकता थी कि हेमू को वहीं पर क्या कर दिया गया, मार दिया गया। जैसे ही हेमू की वहां मृत्यु हुई, यहीं से हिंदू सम्राट अंतिम शासक था इसकी मृत्यु हो जाती है, और जितने भी हिंदू वंशज थे सबका एक बात हो गई कि अब कभी भी दिल्ली पर हिंदू शासक नहीं आ सकता, हिंदू शासन कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पर शासक जो बना वो कौन बन गया, अकबर बन गया। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अकबर आज भी दिल्ली में नहीं बैठा इस युद्ध को जीतने के बाद। अकबर कहाँ था, होशियारपुर में ही था। शासन कौन कर रहा था दिल्ली पर, बैरम खां कर रहा था, और कौन कर रहा था, दलाई माता, दोनों कर रहे थे शासन। अब होता क्या, यहां देखिए 1556 से लेकर 1560 तक का जो वर्चस्व दिल्ली में रहा या अकबर के शासन में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप जो रहा वह किसका रहा, बैरम खां का, किसका रहा, बैरम खां का। अब इसकी उम्र भी जो थी वो कितनी हो गई,
18 और 20 वर्ष के लगभग अकबर की उम्र हो जाती है। और जैसे ही अकबर की उम्र हुई तो इसके दिमाग में भी बात आने लगी कि वास्तव में हुमायूं मेरा पिता था, हुमायूं ने दिल्ली को विजित किया था और ये बैरम खां चाहता है कि मैं एक क्या खिलौना बनकर रहूं, शासन कौन करेगा या खुद करेगा। इसके दिमाग में बात आ गई। अब देखो दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था, बैरम खां, और पंजाब में कौन था, अकबर। और अकबर ने देखो, अकबर इतना डरता था, इससे बहुत डरता था, डायरेक्टली कोई बात नहीं कह सकता था, अकबर डायरेक्ट कोई बात नहीं कह सकता था। बैरम खां को एक पत्र भेजता है राजपत्र, और उस पत्र में कहता है कि चाचा मुझे आपकी बहुत, चाचा बोलता था इससे कि मुझे आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आप आइए और जल्दी से जल्दी कैसे भी पंजाब आ जाइए। अब बैरम खां तुरंत यहां से चल देता है, कहां के लिए, पंजाब के लिए चलता है। इधर से बैरम खां सीधा पंजाब आता है और अकबर पंजाब, इधर से कहां पहुंच जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है। डायरेक्टली नहीं कहा इसने कि मुझे शासक बनना है, और ना ही कह सकता था। अब होता क्या है, देखिए, ये दिल्ली पहुंच गया, ये कहां आ गया, पंजाब। जैसे ही दिल्ली में आया, दिल्ली में आते ही बोला उस माता से, कौन थे, दलाई माता से, कि माता मुझे शासक बनना है, मुझे राजा बनना है। अब दलाई माता को बात माननी ही पड़ी और इसे क्या बना दिया, यहाँ का राजा बना दिया, दिल्ली का शासक बन गया। जैसे ही 1560 में दिल्ली का शासक बनता है, राज्याभिषेक होता है, तो बैरम खां से कह दिया अब तुम पंजाब में रहो और मैं कहाँ रहूंगा, दिल्ली। 1560 के बाद बैरम खां का वर्चस्व खत्म होता दिखा। तब आप यहाँ ध्यान रखेंगे, एक दिन बैरम खां जो था सीधा कहाँ आता है, 1560 में ही यहाँ पर दिल्ली आता है, और दिल्ली पे आने के बाद उसी तलवार को लेकर आता है जिस तलवार से उसने हेमू का सिर कतल किया था, और उसे लाकर किसे देता है, अकबर को दे देता है, और कहता है आप चाहो तो इस तलवार से मेरा सिर काट दो, इसी से मैंने आपकी रक्षा की थी, आप इससे मेरा सिर काट दो, लेकिन मुझे कोई और आपके राज्य में हस्तक्षेप कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने तुम्हारे परिवार के लिए इतना किया है और आपने मुझे बिल्कुल अलग फेंक दिया। तब अकबर समझाता है और इसे दो ऑप्शन देता है, इसे दो ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन यह देता है कि आप या तो एक काम करो कि आप हमेशा के लिए राजनीति त्याग दो और कहाँ के लिए चले जाओ, हज यात्रा के लिए चले जाओ और अपने अंतिम समय को अच्छी तरह से निपटाओ, हज यात्रा के लिए चले जाओ। और दूसरा ऑप्शन यह देता है कि आपको अगर सत्ता में तो कोई हस्तक्षेप करने ही नहीं दिया जाएगा, आप वृद्ध हो गए, आराम से पाठ पूजा करो और पंजाब में ही रहो। अब इसके दिमाग में आता है क्या, किसका पुत्र कौन था बैरम खां का, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसने कहा कि ठीक है मैं हज के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मेरा एक पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना, उसको नियंत्रण में आप रखोगे, उसकी पूरी देखभाल आप करोगे। तब आप ध्यान रखेंगे 1560 ईस्वी में बैरम खां हज यात्रा के लिए निकल जाता है। पहले ऐसा तो होता नहीं था कि आज क्या एयरप्लेन वगैरह और इनसे चले जाते हैं, क्या गाड़ी बनाई, सैनिक रखे, अपने साथ चल देता। उसी समय अफगान के कुछ शासकों ने मिलकर देखा कि इसने हेमू को मार दिया था, इसी ने तो मारा था हेमू को, किसने, बैरम खां ने, और ये मुगलों का शासक है। तो जितने भी अफगान थे इन सब ने मिलकर लाहौर के पास में ही बैरम खां की क्या कर दी, मृत्यु कर दी। ये हज नहीं पहुंच पाया और बैरम खां की इस प्रकार यहाँ मृत्यु हो जाती। जैसे ही बैरम खां की मृत्यु हुई, बैरम खां की मृत्यु होने के बाद अभी भी अकबर के सत्ता हाथ में नहीं आई, क्योंकि दलाई माता क्या थी, दिल्ली में रह रही थी, और 1560 से लेकर 1562 तक का जो भी राजस्व संभाला, राज्य संभाला, वो किसने संभाला, दलाई माता, किसने संभाला। अब आप ध्यान रखेंगे ये हरम प्रथा चला रखी थी इसने, और जब इसने हरम प्रथा चला रखी थी तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि 1562 ईस्वी जैसे आई, इसके दिमाग में बात आया कि ये दलाई माता ना अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, और ये जो प्रथा चला रखी है यह बहुत गलत प्रथा चला रखी है। तब तो यह अनजान था, इसे जैसे ही समझ में आया तो इसने 1562 में ही हरम प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया। मतलब कैसी पर्दा प्रथा हुआ करती थी, जो भी हिंदू की स्त्रियां सती होती, सती मतलब उनका पति विधवा हुई और उसके बाद सती होने के लिए जाती थी, उन्हें सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता था और एक महल में छोड़ दिया जाता था और उनके क्या पर्दा लगा रहता था। इस हरम प्रथा को इसने 1562 में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और जो दलाई माता थी उसे भी राज्य से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब पूरी सत्ता जो आई वो किसके हाथ में आ गई, अकबर के हाथ।
तो मैंने आपको यह भी बताया इससे पहले वीडियो, सबसे पहले वीडियो मध्यकालीन भारत का पहला वीडियो जो बना था उसमें, कि भारत में सर्वप्रथम जो लगाया था वो जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसने 1562 में ही जजिया कर को, सॉरी 1563 में ही क्या कर दिया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसे भी समाप्त करने का एक तरीका था, आप समझ लेना थोड़ा। इसने समाप्त क्यों किया, आपको पता होना चाहिए। आमेर के एक राजा थे, राजस्थान में क्या पड़ता है, एक आमेर जिला पड़ता है। आमेर के एक राजा थे जिन राजा का नाम था राजा भारमल। आमेर के राजा थे जिनका नाम था भारमल। और जो भारमल थे, अब यहां पर थोड़ा समझना कि राजा भारमल एक अच्छे राजा थे और इनका कोई मतलब नहीं था किसी से भी, बस अपना राज्य बड़े अच्छी तरीके संपन्न तरीके से चला रहे थे। अकबर ने अपना प्लान बनाया कि राजा भारमल को मैं मार दूं और मारने के बाद सत्ता में अपने इसमें शासन में से मिला लूं। अब यह सीधा जाता है और राजा भारमल के ऊपर आक्रमण कर देता है। इसकी एक और वजह सबसे बड़ी क्या थी, आप समझेंगे। यहां राजा भारमल की सबसे बड़ी वजह और क्या थी इस पर आक्रमण करने की, वो थी इनकी पुत्री। इनकी पुत्री थी सबसे बड़ी वजह, जिनका नाम क्या था, जोधाबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोधाबाई। समझना, राजा भारमल की पुत्री थी जोधाबाई। और अब होता क्या है, यह राजा भारमल पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद यह युद्ध होता नहीं है, और यह युद्ध होने से पहले एक संधि पर समाप्त हो जाता है। और संधि पर समाप्त हुआ तो राजा भारमल से कहा, मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन आप ऐसा करो, अपनी पुत्री किसको, जोधाबाई का विवाह किसके साथ कर दो, मेरे साथ कर दो। समझना, वह कहता है ठीक है। तो जोधाबाई का विवाह जो होता है वो किसके साथ होता है, अकबर के साथ होता है। लेकिन अकबर के साथ जैसे ही यह क्या होता है, विवाह होता है, तो आप यहां ध्यान रखेंगे, भारमल का एक पुत्र भी था जिसका नाम था भगवान दास। और भगवान दास का भी एक पुत्र था जिसका नाम था मानसिंह। समझना थोड़ा। राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, अकबर के साथ कर दिया। और इसके साथ साथ पुत्री का विवाह तो किया और साथ में भगवान दास को भी छोड़ दिया कि ये बहन भाई अलग नहीं रहते कभी भी, ये कभी भी अलग नहीं रहते, तो आप भगवान दास को अपने साथ ले जाओ और आपका ये संरक्षण करेगा, आपकी सेवा करेगा। अब भगवान दास का पुत्र था मानसिंह, और मानसिंह भी अपने पिता के बिना नहीं रह सकता था, तो मानसिंह भी बोला, पापा मैं भी चलूंगा। तो आप ध्यान रखेंगे, मानसिंह भी यहां पर पहुंच जाता है। और आपको पता है कि भगवान दास और मानसिंह दोनों बाद में जाके अकबर ने क्या बनाए थे, अपने नवरत्न बनाए थे। अब्दुल रहीम खाने खाना को भी बनाया था और किससे बनाया था, मानसिंह को भी बनाया था। क्लियर यहां तक? अब यहां पर भगवान दास, मानसिंह और राजा भारमल की पुत्री, तीनों अकबर के यहाँ चले जाता है, इनका विवाह हो जाता है। और विवाह हुआ, विवाह होने के बाद अब जो अकबर था यह निरक्षर व्यक्ति था, समझना, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, इससे नाम लिखना नहीं आता था, नाम लिखना तक नहीं आता था। जैसे तैसे करके इस जोधाबाई ने इसे नाम लिखना सिखाया, बोले कम से कम नाम लिखना तो सीख ले, रोज रात को सिखाती थी इसे, बोले नाम लिखना तो सीख ले। तब जैसे जैसे यह नाम लिखना सीखा, और जो अब्दुल रहीम खाने खाना था यह इसे रोज फारसी सिखाता था, पूरे 5 महीने हो गए फारसी सिखाते सिखाते, इसे एक अक्षर नहीं आया, इसे एक अक्षर नहीं आया सीखना, बिल्कुल नहीं सीख पाया। जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के थोड़े बहुत एक दो शब्द फारसी के लिख लेता था, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था। अब इसे एक बड़ा शौक था, शौक इस बात का था कि इसे कहानी सुनने का, स्टोरी सुनने का। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म की कहानियां सुनता था, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए इसके यहाँ पर और उसी से क्या कहता था, भाई कोई अच्छी सी स्टोरी सुना। तो बताया जाता है जिस समय रात को सोता था तो अन्य अन्य धर्म के अनेक लोग इसके आसपास बैठते थे और पहले इसे कहानी सुनाते थे, और कहानी सुनाते सुनाते इसे नींद आती थी, जिसे नींद नहीं आती थी। तो उससे पहले जोधाबाई क्या करती थी, जोधाबाई अपने धर्म की कहानियाँ सुनाती थी इसे, रामायण महाभारत गीता वगैरह के बारे में इससे बड़ा आनंद आता था सुनने में। तो इससे कहा, जब ये कहानियाँ सुनाती थी, ये सब बताया कि आपका धर्म भी हिंदू धर्म में से आया, ये प्राचीन धर्म है ये है, तो इसे थोड़ी चिढ़ भी लगती थी इस बात की। अब ये बात आगे चलती रही चलती रही। एक दिन जोधाबाई ने कहा कि देखो
आपका धर्म अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके धर्म की कभी उपासना नहीं कर, वो नहीं करते, अवहेलना नहीं करते, उपासना भी करते हैं, आप पैसा करो, आपने ये गलत कर रहा है। देखो जजिया कर क्या था पता है आपको? जजिया कर जो था वो किस पर था? मुसलमानों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर था, सभी हिंदुओं पर था। तो इसने कहा आप धर्म के नाम पर कर मत लो, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत बलशाली है, धनवान है। अब इसने समझाया तो समझना तो पड़ता ही, और क्या कर दिया जजिया कर को, क्या कर दिया, बोले ठीक है लाओ साइन करते हैं, जैसे तैसे अकबर लिखा यहाँ से यहाँ तक, अकबर जाके यहाँ तक इतने बड़े पेज में लिखा गया कि लो जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर। देखो एक जजिया कर था, एक जकात कर था, जकात जो लगता था वो मुसलमानों पर लगता था और जजिया कर किस पर लगता था? हाँ, तो इसने जोधा बाई की बातों में आके जजिया कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अब जब इस कर को इसने समाप्त कर दिया, समाप्त करने के बाद अब इसके मन में अन्य, देखो यह इतना धार्मिक व्यक्ति भी माना जाता था कि हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, सिख धर्म के उस समय जो गुरु थे वो थे अमरदास। कौन थे? अमरदास। और जैन धर्म के जो उस समय सबसे बड़े गुरु थे वो थे हरिविजय सूरी, हरिविजय सूरी। और हिंदू धर्म में उस समय तुलसीदास थे, इसके समय कौन थे? तुलसीदास थे। लेकिन तुलसीदास कभी भी इनके समय नहीं आए, इनके दरबार में कभी गाने के लिए ना आए, ना बजाने के लिए आए। लेकिन और हिंदू धर्म के लोग थे, वो शाम को रोज जाते थे, यह अच्छे दान भी करता था और रोज इसे कहानी सुनाते थे। मतलब कोई एक स्टोरी बना ले जाओ इसके पास, झूठी बनाओ सांची बनाओ, लेकिन इसे आनंद आना चाहिए और आराम से बड़ा धन देता था। तो एक बार गुरु अमरदास जो थे वह भी इसके दरबार में आए, और इन्होंने अपने जो बाकी के गुरु थे नानक देव इनके बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छी एक कहानी सुनाई, जिससे यह बहुत प्रसन्न हो गए और इनसे कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब अमरदास ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, कि हमें पंजाब में एक अमृतसर में क्या बनाना है, मंदिर बनाना है, जिसका नाम क्या होगा, स्वर्ण मंदिर होगा, उसके लिए कुछ जमीन चाहिए। तब आप ध्यान रखेंगे 500 बीघा जमीन अकबर ने किसे दी थी? अमरदास को दी थी। जहां आज स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, उसका जो उस पर जो जमीन है, तालाब है उसके सामने, वो जमीन जो 500 बीघा है वो किसने दान दी थी? अकबर ने दी थी। किसे दी थी? अमरदास को दी थी। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे हरिविजय सूरी जो था इसका बड़ा सम्मान करता था, ये हरिविजय सूरी का बड़ा सम्मान करता, पूछ ले जाता है वह जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, तब आप करेंगे हरिविजय सूरी था। और हरिविजय सूरी जो था इसे जगत गुरु की उपाधि भी इसने दी थी, ठीक है ना, जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। अब क्या हुआ, यह राज्य करने लगा 1570 के दशक में, 1570 ईस्वी में इसने सोचा क्यों ना मैं गुजरात को विजित करूं। अब यह गुजरात विजित के लिए चल देता है, गुजरात को विजय करने के लिए पहुंचा, तो जाते जाते इसे समुद्र दिखाई दिया। एक बार यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीलिम्स वगैरह में आया था, अभी नहीं 2013 के में ही पूछा गया था, कि अकबर ने पहली बार समुद्र को कहां देखा? गुजरात में। यह पहले कहां रहा? महलों में रहा, जंगलों में रहा, स्त्रियों के साथ रहता था, उन्हीं के साथ खेलता था। तो इसने पहली बार जैसे समुद्र को देखा तो बोला अरे देखो कितना पानी है यहाँ पर, यहाँ से चलो दिल्ली के लिए पानी लेकर चलते हैं। इसने क्या बोला, समुद्र को देखो, देखो कितना पानी है, कितना पानी है, यहाँ से सुरंग खुदवाई जाए और वो कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए क्या लेकर जाएगी, पानी लेकर जाएगी जिससे प्रजा खुश रहे। तब इसके जो सेनापति वगैरह थे भगवान दास वगैरह, इन्होंने कहा महाराज इस पानी को थोड़ा पी लीजिए, बड़ा स्वादिष्ट पानी है। अब जैसे ही यह पानी पीने लगा तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा थी, जिसके कारण बोला ऐसा पानी भी होना बेकार, बोले मुझे तो लगा था समुद्र बड़ा अच्छा होगा, इसका पानी इतना है दिल्ली के लिए लेके चलते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे सबसे पहली बार इसने समुद्र को जो देखा था वो कहाँ देखा था? गुजरात में देखा था। इसने गुजरात विजय किया और गुजरात विजय के बाद जैसे ही आया, हाँ एक और बात थी, किसने दिल्ली के बाद आगरा अपनी राजधानी बनाई थी, पहले कहाँ बनाई थी? आगरा बनाई थी। और आगरा के ही पास कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया, और फतेहपुर सीकरी नामक नगर जैसे ही बसाया तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे जैसे ही गुजरात विजय करने के बाद लौटा तो इसने कहा गुजरात विजय के बाद हमें एक ऐसा स्मारक बनाना चाहिए जिससे दुनिया याद रखे। तब गुजरात विजय के बाद इसने फतेहपुर सीकरी नामक नगर में ही बुलंद दरवाजे का क्या करवाया, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा जो है वो कौन सा है, बुलंद दरवाजा ही है, जहां निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया। और कहां करवाया, फतेहपुर सीकरी में करवाता है। अब देखो इसके घर में भी कलह शुरू हो गई, इसके घर में भी कलह शुरू हो गई थी।
कलह शुरू होने का कारण यह था कि 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाना खुलवाया था। क्या खुलवाया था? इबादत खाना। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि मस्जिदें उस समय कम थी, लोग अनुयायी ज्यादा हो गए थे, तो मस्जिदों में जब लोग जाते थे तो बहुत भीड़ लगती थी, और इसके राजवंश के लोग जाते थे तो बहुत बड़ी परेशानी होती थी। तो इसलिए इसने क्या किया कि एक फतेहपुर सीकरी अंदर महल में ही इबादत खाना खुलवाया, और उसी में क्या कर दिया इसने, नमाज अदा होने लगी। अब इनके बीच झगड़ा होता था, जोधा भाई अलग कहती थी कि तभी मैं खाना खाने बैठती हूँ तभी ये नमाज पढ़ने लग जाते हैं, तभी मैं भजन करने बैठती हूँ तभी ये नमाज पढ़ने। इनके घर में बहुत बड़ी कलेश हुई। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक सुलह कुल नामक त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? सुलह कुल। सुलह कुल नामक एक त्यौहार मनाया जाता है जो सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में मनाया जाता था। कहाँ मनाया जाता था? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता था। तो अब यहां पर क्या हुआ, जब इसके घर में बहुत ज्यादा क्या होने लगी, झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगा, तो इसने एक नीति अपनाई जिसका नाम था सुलह कुल नीति अपनाई, और इसके तहत जो इबादत खाना बना हुआ था, इस इबादत खाना को इसने क्या कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक के लिए कर दिया कि यहाँ पर सिख वाला भी आ सकता है, हिंदू धर्म का भी आ सकता है, बौद्ध धर्म का भी आ सकता है, जैनी भी आ सकता है, हर व्यक्ति आ सकते हैं अपनी इबादत करने के लिए। तब आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इस इबादत खाने में सभी धर्म के लोग क्या होने लगे, जाने लगे। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है सुलह कुल नामक पर्व वर्तमान में कहाँ मनाया जाता है, तो आप करेंगे कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था, ठीक है ना। तो यह अकबर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, इससे आगे जो हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे वो अकबर के युद्धों के बारे में करेंगे, जो बहुत बड़े स्तर पर इसने युद्ध लड़े, जिसमें हल्दी घाटी का विश्व स्तरीय युद्ध रहा, महाराणा प्रताप के बारे में समझेंगे, उसके बिल्कुल प्रस्टेज से समझकर ऊपर तक जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।